ये है भारत का सबसे बड़ा आम, नूरजहां आम। मेरे इस आम की शान नूरजहां आम, इसका वजन होता है 3 से 4 किलो के बीच में और इसकी चौड़ाई होती है 18 इंच और लंबाई होती है 9 से 10 इंच के बीच में। अगर आप नूरजहां को देखना या चखना चाहते हैं तो आपको शिवराज सिंह के बगीचे में आना पड़ेगा, मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के कट्ठीवाड़ा में। यहीं पर आपको नूरजहां आम मिलेगा। अपने भारी भरकम आकार की वजह से इसे राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है और अब ये दूर दूर तक मशहूर है। दूर दूर महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, यूपी, सबसे सभी राज्यों से लोग आते हैं और विदेश से भी लोग यहाँ पे देखने के लिए आते हैं। अभी थोड़े हाल में, थोड़े दिन पहले जर्मन से भी आए थे इसको देखने के लिए, खास तौर पे इस आम को देखने के लिए, और अमेरिका भी ये आम पहुँच चुका है और थोड़े दिन पहले मित्र मेरे वो इसको दुबई भी लेके गए। भारत में आम की लगभग 1000 किस्में पाई जाती हैं, लेकिन इनमें करीब 50 किस्में ही ऐसी हैं जिन्हें व्यावसायिक तौर पर उगाया जाता है। भारत दुनिया में आम का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस साल देश में 2,40,00,000 टन आम का उत्पादन होने का अनुमान है। हालांकि इसमें से ज्यादातर आम की खपत देश के भीतर ही हो जाती है। बाजार में नूरजहां आम मिलना दुर्लभ है। इसके लिए आपको अलीराजपुर ही जाना होगा। वहां भी इसके पेड़ों की संख्या अभी 10 से ज्यादा नहीं है। अधिकारी नूरजहां के पेड़ों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनका कहना है कि इसके लिए अच्छी देखभाल के साथ साथ एक खास तरह की जलवायु चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में इसका वजन कम हुआ है, लेकिन जो हमारी वातावरण की दशा है, जिसमें तापमान है और नमी है जो उस क्षेत्र में होना चाहिए, उसके कारण से इसमें थोड़ा फर्क आया है। कृषि विज्ञान केंद्र भी इसके बारे में प्रयास कर रहा है और आने वाले कुछ सालों में हम प्रयास करेंगे कि इनकी संख्या को लगातार बढ़ाया जाए। करीब 60 साल पहले शिवराज सिंह के पिता ने गुजरात से लाकर आम की कुछ कलमें अपने बगीचे में लगाई थीं। आज वही पेड़ इस इलाके को पहचान दिला रहे हैं। जो कट्ठीवाड़ा की भौगोलिक स्थिति है, वहीं पर ये सर्वाइव हो रहे हैं। इसको ले जाकर, कलम लगाकर देश के कई इलाकों में लोगों ने कोशिश की, इक्का दुक्का लोग ही सफल हो पाए, लेकिन ये सूख जाते हैं। लेकिन कट्ठीवाड़ा का क्लाइमेट नूरजहां को रास आता और यहाँ पर ये यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं लगातार। अब शिवराज सिंह के परिवार की अगली पीढ़ी इस विरासत को संभालने के लिए तैयार है। हर्ष राज सिंह खेती और बागवानी की पढ़ाई कर रहे हैं ताकि अपने दादा के लगाए बाग का और अच्छी तरह ध्यान रख पाए और इसे आगे बढ़ाएं। हमारे बगीचे में लगभग 40 वैरायटियाँ, उनमें से एक वैरायटी है नूरजहां, जो 3-3.5 किलो का होता है। लेकिन उसकी अभी दिक्कत ये आ रही है कि उसके और पौधे नहीं तैयार हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि हमारे पास बगीचा है, सब चीज़ें हैं, तो इसको और डेवलप करा जाए, आगे बढ़ाया जाए, पौधे तैयार करे जाए। तो उसके लिए अभी मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर कर रहा हूँ मैं, और अपने जो दादा के द्वारा जो बगीचा तैयार करा गया है उसे और बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। स्वाद में खट्टे मीठे नूरजहां आम की बहुत मांग है और ये वजन नहीं बल्कि पीस के हिसाब से बिकता है। इस आम की कीमत 1500 से 2000 जैसी रहती है और लोगों की ऑनलाइन डिमांड भी रहती है, बुकिंग भी होता है। करीब करीब 200-250 पीस लगते हैं। लोगों की डिमांड को पूरा करता हूँ। जितनी भी डिमांड होती है उस अनुसार मैं इनको देता हूँ। जैसे ही नूरजहां का सीजन आता है, शिवराज सिंह के बगीचे में रौनक बढ़ जाती है। जाहिर है, एक तो आम जैसा पसंदीदा फल और वो भी सबसे बड़ा।